दोस्तों आज मैं यूनिट फर्स्ट का ही सेशन थर्ड स्टार्ट करूंगा। सेशन थर्ड में है इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल का आविष्कार। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। अब तक के हमने सीखा है कि कैसे माल और लोगों के परिवहन के लिए पहिया का इस्तेमाल गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों के बारे में किया जाता था। इंजीनियरों ने घोड़ा गाड़ी की डिज़ाइन में थोड़ा सुधार किया। उसी समय लोग एक ऐसे प्रणाली पर काम कर रहे थे जो स्वचालित हो सकती है। इसका मतलब है कि इस प्रणाली को बिना किसी आदमी या पशु बल के चलाया जा सकता है। वर्ष 1672 में इस तरह के पहले मॉडल, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, को एक खिलौने के रूप में विकसित किया गया था। ये वास्तव में एक वाष्प इंजन था जिसमें भाप की शक्ति का इस्तेमाल खिलौने के गति प्रदान करने के लिए किया जाता था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आगे सुधार जारी रहा। फिर साल में 1806 ईस्वी में अंतरिक्ष दहन इंजन द्वारा संचालित पहली कार चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन फोर भाप के बजाय ईंधन गैस था। ईंधन गैस के उपयोग की प्रक्रिया भाप से विभिन्न होती है। स्टीम इंजन को बाहरी दहन की आवश्यकता होती है, जबकि ईंधन गैस के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अंतः ज्वलन, हम इस पर बाद में विस्तार से ध्यान करेंगे। इस बीच इंजीनियरों ने 1885 ईस्वी तक डिज़ाइन में सुधार जारी रखा, जब यूरोप में पहला आधुनिक गैसोलीन या पेट्रोल ईंधन इंजन की विकसित किया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आविष्कारों को अक्सर आम जनता द्वारा तुरंत उपयोग नहीं किया। एक कारण यह है कि नई तकनीक विकसित करने की लागत बहुत अधिक है। इसके अलावा पहले मॉडल में आम तौर पर कोई सुविधा नहीं होती थी। हालांकि जब अधिक लोग नए मॉडल की मांग बढ़ाते हैं तो लागत कम होने लगती है। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसे आकर्षक बनाने के लिए और अधिक सुविधाओं भी जोड़ी जा सकती है। एक जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंच ने 1885 ईस्वी में पहला व्यवहारिक मॉडल, जिस तरह से इस फिगर में दिखाया गया इस फिगर में डिज़ाइन और पेटेंट कराया था। इस मॉडल में आंतरिक दहन इंजन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कई अन्य जर्मन इंजीनियर लगभग उसी समय समस्या पर काम कर रहे थे। कार्ल बेंच को आमतौर पर आधुनिक ऑटोमोबाइल के आविष्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। कार्ल बेंच ने जर्मन के मैनहेम और अपने स्वयं के फोर स्ट्रोक साइकिल गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित एक ऑटोमोबाइल का निर्माण किया 1885 में, और उनकी प्रमुख कंपनी बेंच एंड सी के तत्वधान में अगले साल जनवरी में एक पेटेंट प्रदान किया गया था, जिससे 1883 में स्थापित किया गया था। यह अन्य मौजूदा घटकों के अनुकूल के बिना एक अभिन्न डिज़ाइन था, और इसमें कई नए शामिल थे। एक नई अवधारणा बनाने के लिए तकनीकी तत्व 1888 में बेंच ने अपने उत्पादन वाहनों को बेचना शुरू किया। 1879 में बेंच को अपने पहले इंजन के लिए पेटेंट प्रदान किया गया था, जिसे 1878 में डिज़ाइन किया गया था।
उनके कई अन्य आविष्कारों ने वाहन को चलाने के लिए आंतरिक दहन यानी इंटरनल कंबशन इंजन के उपयोग को संभव बनाया। उनका पहला मोटर वैगन 1885 में बनाया गया था और उन्हें इस आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किया गया। 29 जनवरी 1886 को उनके आवेदन के आधार पर बेंज ने 3 जुलाई को वाहन का प्रचार शुरू किया। 1256 और 1939 बीच लगभग यानी कि 25 बेंज वाहन बेचे गए। जब उसकी पहले चरपाही वाहन को एक मॉडल के साथ पेश किया गया था जो कि वाहन क्षमता के लिए था, वह अपने स्वयं के डिज़ाइन के 4 स्ट्रोक यानी 4 स्ट्रोक इंजन के साथ भी संचालित थे। यानी फोर स्ट्रोक क्या है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, उसका दूसरे यूनिट में है। 4 स्ट्रोक आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस तरह से आप समझिए कि 4 स्ट्रोक इंजन के साथ भी संचालित थे। फ्रांस के एमिल रोजर जो पहले से ही लाइसेंस के तहत बेंच इंजन का उत्पादन कर रहे थे, बेंच ऑटोमोबाइल को अपने उत्पादन की लाइन में जोड़ दिया। चूँकि फ्रांस प्रारंभिक ऑटोमोबाइल के लिए अधिक खुला था, इसीलिए प्रारंभिक अवधि में जर्मनी में बेची जाने वाली बेंच की तुलना में फ्रांस में रोजर के माध्यम से अधिक ऑटोमोबाइल बनाए और बेचे गए। अगस्त 1888 में कार बेंच की पत्नी बर्था बेंच, जैसे इस फिगर में दिख रहा है, ने अपने पति के आविष्कार की सड़क योग्यता को साबित करने के लिए कार द्वारा पहली रोड ट्रिप शुरू की। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान बेंच दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, जिसकी 1899 में 572 इकाइयां थी। 19वीं सदी के अंत में यूरेका में कई ऑटोमोबाइल कंपनियां सामने आई। उन्होंने अलग अलग मॉडल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये ऑटोमोबाइल महंगे थे और कुछ ही अमीर लोग इन्हें राजा रानी और इसी की तरह खरीद सकते थे। राजस्व भारत में एक औसतन व्यक्ति एक कार का मालिक नहीं बन सकता करने के लिए यूरोप और अमेरिका में कई प्रयास किए गए। 1902 ईस्वी में पोस्टमाउथ ब्लॉक नील्स में मार्क ईसा मार्पल ब्रुनेल द्वारा अग्रणी असेंबली लाइन तकनीकी के आधार पर 1902 में रैनसम ओट्स द्वारा बड़े पैमाने पर सस्ती ऑटोमोबाइल का उत्पादन लाइन निर्माण शुरू किया गया था। 1802 में इंग्लैंड की विधानसभा लाइन शैली बड़े पैमाने पर उत्पादन और विनिमय भागों को अमेरिका में थॉमस ब्लेडर्स द्वारा 1821 में स्प्रिंग फील्ड में मैसाचुसेट्स एक जगह का नाम है स्प्रिंग फील्ड आर्मरी में आगरणी किया गया था। शुरुआत में हेनरी फोर्डर द्वारा इस अवधारणा का बहुत विस्तार किया गया था। 1914 ईस्वी इस नई विनिर्माण प्रक्रिया की शुरुआत के साथ फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने मॉडल टी को चेंज किया, यानी मतलब चेंज किया थोड़ा, जैसे इस फिगर में दिख रहा है, पहला बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। और इन्होंने क्या किया, 1914 एक असेंबली लाइन कर्मचारी 4 के साथ एक मॉडल टी खरीद सकता था। यूरोप में भी वही हुआ। मॉरिस ने 1924 में काओलिन में अपनी प्रोकर्शन लाइन स्थापित की और जल्द ही फोर्ड को आउटसोर्स कर दिया कि 1923 में फोर्ड ने ऊर्ध्वाधार एकीकरण के अभ्यास का पालन किया और ऑब्जर्वेशन रेडिएटर खरीदा था। मैं 1925 मॉरिस कुल
ब्रिटिश कार उत्पादन का 41% था। और एबे से लेकर एक्स्ट्रा तक के अधिकांश ब्रिटिश छोटे कार असेंबली विफल हो गए थे। एक फ्रांसिस वाहन निर्माता स्ट्रॉन ने 1919 में मोटर कारों का निर्माण शुरू किया था और एक साल के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों को रोजगार दिया था। एक वर्ष में 100 कारों का निर्माण किया था। बताइए 100 कारों का, एक वर्ष में 100 कारों का निर्माण किया था, उस टाइम की बात है। रेनॉल्ट की 10 CB और पेजेट की 5 CB ने 1925 में 5,50,000 कारों का उत्पादन किया और मॉर्स हर्तू और अन्य प्रतिस्थापना नहीं कर सके। जर्मनी की पहली बड़े पैमाने पर निर्मित कार ओपेल 4 PS लियोब्रोस्प 1924 में रसेल सिम के लाइन से बाहर आया। जल्द ही ओपेल को शीर्ष बना दिया गया। जर्मनी में कार बिल्डर बाजार के 37.5% के साथ यानी कि 1926 में ऑस्टिन 7 Vauxhall एक इकोनॉमी कार थी जो ऑस्टिन कंपनी के द्वारा निर्मित थी। जैसे आप फोटो में दिख रहे हैं, जैसे आप इस पिक्चर में दिख रहे हैं कि ऑस्टिन कंपनी द्वारा निर्मित थी। ये प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड के बीच ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत ध्यान रक्षा वाहनों के विकास की ओर गया और नतीजतन कई नए वाहनों जैसे कि बटालियन और जीप विकसित किए गए। टैंक जैसे कि इस चित्र में आप दिख रहे हैं, जिस तरह से टैंक बनाए गए युद्ध क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गया। ये एक बहुत ही बहुमुखी वाहन है जो किसी भी सड़क की स्थिति में यानी क्रॉस कंट्री इलाके में, पहाड़ियों में, रेगिस्तान, खाइयों आदि में चल सकता है। बताइए कि इस तरह से गाड़ी पहले भी निर्माण कर चुका है ऑटोमोबाइल। हालांकि इस अवधि के दौरान यात्री खंड में भी कुछ बहुत ही दिलचस्प डिजाइन थे। जर्मनी में वॉक्सवैगन ने 1930 के दशक में एक कार विकसित की थी जो रेंगने वाले प्राणी की तरह दिखती थी और इसीलिए उसे बीट यानी जैसे इस चित्र में कहा जाता था। इस मॉडल में पिछले की तरह इंजन था और फ्रंट बोनेट के उनको सामान के डिब्बे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कार ड्राइव करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक थी और स्टाइलिश दिखती थी। ये यूरोप में लोकप्रिय हो गया। 2002 तक 21 मिलियन से अधिक वॉक्सवैगन टाइप यानी 1S जैसे इस फिगर में दिख रहा है का उत्पादन किया गया था, लेकिन 2003 तक वार्षिक उत्पादन में 1971 में 1.3 मिलियन के शिखर से 30,000 तक गिर गया था। वॉक्सवैगन ने जून 2003 में उत्पादन की समाप्ति की घोषणा की। अमेरिका में राय बहुत अच्छी नहीं थी।